1988 बैच की सीनियर आईएएस अफसर अलका तिवारी ने शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। वे झारखंड की तीसरी महिला मुख्य सचिव हैं। इनसे पहले लक्ष्मी सिंह और राजबाला वर्मा राज्य की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। पदभार ग्रहण कर अलका तिवारी ने कहा कि जनहित में काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण करने पर डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। नई मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए मुख्य सचिव के पद पर रहकर प्राथमिकता बताना उचित नहीं है। जैसे ही नई सरकार का गठन हो जाता है, जनहित में काम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सामान्यतः ये होता है कि पहले दिन हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे निर्वाचन कार्य चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो मुझे लगता है आज ये उपयुक्त समय नहीं है अपनी प्राथमिकताएँ बताने का। यहाँ पर बहुत जल्दी नई सरकार बनने वाली है, जो भी सरकार की प्राथमिकता होगी उसका अनुपालन किया जाएगा, लेकिन आज के दिन केवल मैं इतना कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार के हर स्तर पर, राज्य सरकार से लेकर ब्लॉक तक, मैं ये चाहूँगी कि पूर्ण अनुशासन रहे। और जब अनुशासन की मैं बात करती हूँ तो ना केवल समय की पाबंदी की बात है, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हलका काम कर रहा है, उसमें मुस्तैदी के साथ काम हो, तत्परता के साथ काम हो, शीघ्र निर्णय लिए जाएँ, यही मेरा आज कहना है। और प्राथमिकताओं के बारे में फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सामान्यतः ये होता है कि पहले दिन हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर निर्वाचन कार्य चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ